पिछले क्लास में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज कर रहे थे एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि साबित करना है रिलेशन आर जो कि सेट आर में है, आर मतलब यह रियल नंबर है, लिखा हुआ है रियल नंबर, रिलेशन आर जो है रियल नंबर में डिफाइन किया गया है इस तरीका से, और वह ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दिखाना है, प्रूफ तो नहीं करना है, हमें दिखाना है कि न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, न ही ट्रांजिटिव है। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो और ट्रांजिटिव नहीं हो, यह दिखाना होता है बड़े छोटे के केस में, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू केस में। तो बेस्ट मेथड होता है बनाने का, काउंटर एग्जाम्पल से क्वेश्चन को बनाते हैं, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं नंबर्स में जो कि इसको सेटिस्फाई न करते हो, तो हम इसको क्वेश्चन को बनाते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि इसमें शो करना है, हमें दिखाना है नंबर लेकर। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखें और कोई दो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम 1/2 लेते हैं, ए बराबर 1/2, तो 1/2 छोटा 1/2 के होल स्क्वायर के, या तो गलत बात है बाबू। यहां बोल रहा है कि कोई भी नंबर लोगे रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए जो है अपने स्क्वायर से छोटा हो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए के जगह फिर बी के जगह भी ए पुट किया जाता है, तो ए स्क्वायर से छोटा होगा। तो ए के जगह पे अगर हम 1/2 लेंगे, तो यहां पे ध्यान दो बाबू, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। जबकि यही अगर हम बड़ा नंबर लेते, होल नंबर लेते, तो ये सही हो जाता, लेकिन हमें तो कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल से नाइदर प्रूफ कर देना है। तो ध्यान दो बाबू, कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है, कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है, कब, जब वो होल नंबर हो, मतलब 1 से बड़ा हो। और यही अगर कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, तो अपने स्क्वायर से बड़ा हो जाता है। तो रीजन यह है बाबू कि 1 से छोटा नंबर को स्क्वायर करने से वो और छोटा हो जाता है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिए एक नंबर। तो हमेशा बाबू ध्यान दोगे कि बड़ा छोटा में जब क्वेश्चन होगा, लेस देन इक्वल टू का क्वेश्चन होगा, और साबित करना होगा कि नहीं है, तो हमेशा काउंटर एग्जाम्पल से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि अब मेरा अगला है कि सिमेट्रिक के लिए हमको दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो कोई भी दो नंबर चुनेंगे। फॉर सिमेट्रिक अगर हम लेते हैं, तो हम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं -1, 3 एलिमेंट लेते हैं आर में। तो -1 तो छोटा है 3 के स्क्वायर से, यह बात सही है, लेकिन 3 जो है वह छोटा नहीं है -1 के स्क्वायर से। इसका मतलब जब हम पलटे वैल्यू को, यानी कि 3, -1 मेरा आर में नहीं आया, तो कोई एक भी एग्जाम्पल के लिए अगर गलत होता है तो यह गलत है। सिमेट्रिक फिर से बता दे रहे बाबू, शो करना है अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को, तो हमेशा यह बात ध्यान देना है कि काउंटर एग्जाम्पल मन में चुनना है, और काउंटर एग्जाम्पल ऐसा चुनना है कि यह बात फेल कर जाए। तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल चुने कि यहां -1 लिए, हम ऐसा सोचते हुए कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, और यह जो यह इधर वाला जो है वह छोटा नहीं हो पाएगा। तो इस पे ध्यान दिए, इट इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो उसी तरह काउंटर एग्जाम्पल ट्रांजिटिव के लिए भी हम चुन लेंगे कि कोई भी काउंटर एग्जाम्पल, तो घर पर इसके काउंटर एग्जाम्पल को ट्रांजिटिव के लिए सोचना है, अलग अलग प्लस माइनस के नंबरों को सोचना है, और नहीं आएगा तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना है, नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सेट दिया हुआ है 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन आर दिया हुआ है a, b और b दिया है a+1।
यह मेरा रिलेशन दिया हुआ है। तो आर मेरा क्या हो जाएगा, तो वन टू, टू अगर हम चुनते हैं तो टू थ्री, थ्री फोर, फोर फाइव, फाइव सिक्स, और सिक्स नहीं चुन सकते हैं क्योंकि सेवन नहीं है। तो ऑर्डर पेयर इतना ही हमको प्राप्त होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, वन वन आर में नहीं है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वन टू तो आर में है लेकिन टू वन आर में नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। वन टू तो आर में है एंड टू थ्री भी आर में है, बट वन थ्री आर में नहीं है, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसके आगे क्वेश्चन नंबर फोर, वही बड़ा छोटा का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर फाइव भी बड़ा छोटा का क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर टू हम बताए थे, तो फोर और फाइव घर पर खुद से अटेम्प्ट करना है। वन टू थ्री एक सेट दिया हुआ है जिसमें हमको रिलेशन को डिफाइन करना है, वन टू टू वन। अब इस क्वेश्चन को देखना है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, फिर देखना है हमको सिमेट्रिक, तो वन टू टू वन सिमेट्रिक है, वन टू अगर है तो टू वन भी है। ट्रांजिटिव देखना है तो ए बी, बी सी, तो ए सी मतलब वन वन होना चाहिए था, नहीं है। वन टू है, टू वन है, तो वन वन होना चाहिए था, यानी ट्रांजिटिव नहीं है। तो यह जो रिलेशन है सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन है मेरा कि रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई लाइब्रेरी में दो बुक हैं, और बुक्स के बारे में दिया है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, मतलब पेज का संख्या बराबर है। अब रिफ्लेक्सिव अगर हम लिखेंगे तो पीछे हम बता चुके हैं कि लैंग्वेज के क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव में बस पुट करते हैं एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सही स्टेटमेंट आया, इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए बस पलटना है, एक्स वाई सेम पेज है तो वाई एक्स भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा, एक्स वाई में बराबर है तो वाई एक्स में भी बराबर होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए फिर लैंग्वेज में एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेज है, वाई जेड में सेम नंबर ऑफ पेज है, एक्स जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा, इसलिए ट्रांजिटिव है। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। क्वेश्चन नंबर एट मेरा दिया हुआ है कि सेट मेरा है वन टू थ्री फोर फाइव, और आर जो है ए बी के बीच में रिलेशन है, और ए माइनस बी का मॉड एक इवन नंबर है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है तो हमें यह ध्यान देना होगा कि ए माइनस ए, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम देखें तो ए माइनस ए मतलब जीरो, जीरो एक इवन होता है, तो यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर हमें सिमेट्रिक देखना है तो बस पलटना होता है, मतलब a माइनस बी का मोड इवेन है तो b माइनस ए का मोड भी इवेन होगा, इट मीन्स यह सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखना है तो a माइनस बी इवेन है, b माइनस सी इवेन है, तो a माइनस सी भी इवेन होगा। जैसे कि a माइनस सी का मोड अगर देखना होगा तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी का मोड, यह इवेन है और यह इवेन है, तो a माइनस सी भी इवेन होगा। मतलब ट्रांजिटिव के लिए भी बाबू तुम लोग लिख सकते हो लैंग्वेज खुद से कि a माइनस सी का मोड भी इवेन है। कैसे, तो अगर ए बी इवेन है, ए बी आर में है तो a माइनस बी का मोड इवेन होगा, बी सी अगर आर में है तो b माइनस सी का मोड भी इवेन होगा, तो ए सी का मतलब a माइनस सी का मोड, a माइनस सी का मोड करने के लिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर दिए तो यह इवेन प्लस इवेन एक इवेन नंबर होगा, इसलिए ए कॉमा सी भी आर में होगा। तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इस क्वेश्चन में एक आगे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वन थ्री फाइव का जो एलिमेंट होंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे, तो हम जानते हैं कि दिए हुए नंबर में इवेन नंबर और ऑड नंबर दोनों दिए हुए हैं, और हम जानते हैं कि
इवेन माइनस इवेन ही इवेन मिलता है और ऑड माइनस ऑड ही ऑड मिलता है। इवेन माइनस ऑड ऑड मिलेगा और ऑड माइनस इवेन भी ऑड मिलेगा। मतलब इवेन नंबर फाइंड करने के लिए, इवेन नंबर पाने के लिए दो इवेन नंबर को ही माइनस करना होगा या दो ऑड नंबर को। पांच में से तीन घटाए दो आया, पांच और तीन ऑड था तो इवेन था, तो दो ऑड को माइनस करोगे तो इवेन पाओगे। यानी कि ऑड आपस में रिलेटेड होंगे और इवेन आपस में रिलेटेड होंगे। मतलब 1, 3, 5 आपस में रिलेटेड होंगे और 2 और 4 आपस में रिलेटेड होंगे। इन रिलेशनों को हम लोग लिख देना कि 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू इच अदर, 2 and 4 आर रिलेटेड टू इच अदर एंड नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू 2 and 4। तो हो गया बाबू सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 10 में तो एग्जाम्पल्स देना है कि तुम्हें एक रिलेशन लिखना है जो सिमेट्रिक थी। इतना दिन में तुम जो पढ़े कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे कैसे होता है, उस एग्जाम्पल्स को तुम लोग लिख दोगे। तो अभी तक के क्लास में जो हम तुम लोग घर पर बनाने के लिए दे रहे, देखो मैथमेटिक्स जो होता है वह खुद बनाने का सेक्शन होता है कि खुद से हम सवाल को बनाएं। सभी बनाने का आइडिया, क्वेश्चन को बनाने का आइडिया तुम्हें दिया जा रहा है घर पर, तुम्हें खुद क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पी, मतलब पी कोई पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पी का डिस्टेंस इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। मतलब एक प्लेन में एक स्पेस है जहां पे कहीं ओरिजिन है और पी कोई पॉइंट है और क्यू कोई पॉइंट है। मतलब पी से ओरिजिन का डिस्टेंस और क्यू से ओरिजिन का डिस्टेंस या दोनों डिस्टेंस क्या दिया हुआ है बराबर, और ऐसा रिलेशन कैसा है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम अगर इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव देखना चाहते हैं तो पी क्यू इज रिप्लेस्ड बाई पी, तो पी पी मतलब डिस्टेंस पी का ओरिजिन से या डिस्टेंस पी का ओरिजिन से बराबर होगा ना, ओपी बराबर ओपी, तो सही है, इट मीन्स यह रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक करने के लिए क्वेश्चन है कि पी क्यू अगर एलिमेंट है आर में तो ओपी, ओ से पी का डिस्टेंस, ओ से क्यू का डिस्टेंस बराबर होगा। तो इसका मतलब ओ क्यू बराबर होगा ओपी, इसका मतलब क्यू पी भी आर में आ जाएगा, इसका मतलब यह सिमेट्रिक भी है। घर पर लिखना है सिमेट्रिक के लिए, पी क्यू अगर एलिमेंट है आर में तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। तो इसी को पलट देना है कि डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, तो क्यू पी भी आर में हो जाएगा इसलिए यह सिमेट्रिक भी होगा। सो एज ट्रांजिटिव पी क्यू एगो तीसरा पॉइंट एस ले लेंगे, अगर तीसरा पॉइंट एक एस ले लेंगे तो पी से ओपी ओ क्यू बराबर है, ओ क्यू ओ एस बराबर है, तो ओपी और ओ एस भी बराबर होगा। तो इसको भी तुम लोग घर पे लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर ही 12, 13, 14 सब क्वेश्चन बन जाएगा। इस चैप्टर को तुम लोग खुद से अब अपने से बनाना है, जितना भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिया जा चुका है एग्जाम्पल्स को भी बना लेना है, इसमें जितने भी सवाल हैं सबको तुमको खुद ही बनाना है। जैसे कि मान लिया जाए एक क्वेश्चन दे दे कि L1 L2 दो स्ट्रेट लाइन है, L1 इज पैरेलल टू L2, क्वेश्चन दे दिया। अब पूछ रहा है कि बताओ यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या है, तो तुम देखो L1 इज पैरेलल टू L1, तो कोई भी लाइन अपने पैरेलल तो होता ही है, डिस्टेंस तो हमेशा सेम होता है 0, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता किसको है, दोनों सेम चीज हो और लैंग्वेज सही हो, डाटा सही हो, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए बस पलट देना है, अगर L1 L2 के पैरेलल होगा, L1 एक लाइन L2 के अगर पैरेलल होगा तो L2 भी तो L1 के पैरेलल हो गया, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 के पैरेलल, ये भी सेम हो गया। तो इसका मतलब है बाबू यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन दे दिया कि दो ट्रायंगल है और दोनों जो है एक दूसरा के सिमिलर है, तो बस समझो बाबू
कोई भी ट्रेनिंग अपना खुद का सिग्नल तो होता ही है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अगर पी और क्यू दो ट्रेंगिल है और पी क्यू के सिमिलर है तो क्यू पी के सिमिलर तो होगा ही होगा, तो यह सिमेट्रिक भी है। और पी क्यू के सिमिलर है, क्यू आर के सिमिलर है, तो पी आर के सिमिलर तो होगा ही होगा, इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। पूरा चैप्टर बता दिए है, इसको ध्यान से चैप्टर बनाओगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस चैप्टर में। एनसीईआरटी में पहला चैप्टर में अभी तक तुम लोग को हम रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, चैप्टर्स टोटल बनवा दिए, चैप्टर्स टोटल बना लेना है, सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है। यह चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर होता है, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर होता है फंक्शन, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम असली पढ़ाई तक आएंगे, फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे।